एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे डीसी वाटर पंप की, जो बहुत ही पावरफुल एंड हाई क्वालिटी वाला है। तो ये वाला जो डीसी पंप, इसका साइज देख के समझ सकते हो कि कितना बड़ा साइज का ये डीसी पंप है। ये पंप का ये वाला जो पोर्शन है, ये इनलेट है, मतलब कि इस पर एक पाइप लगा के आपको पानी का अंदर देना है, तो उधर से ये पानी अंदर ले खींचेगा। एंड इधर से जो पाइप अब निकलेगा, इधर से इसका आउटलेट है, तो इधर से पानी अल्टीमेट निकलेगा। तो अभी इस पंप का था स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि ये पंप है आपका 12 वोल्ट का, ठीक है। पावर है पंप का 8 वाट एंड मैक्सिमम हाइट जा सकता है 5 मीटर का। एंड इसका फ्लो रेट है आपका 10 लीटर पर मिनट, ठीक है। 10 लीटर पर मिनट मतलब कि आपका एक घंटे में ये मैक्सिमम 600 लीटर का पानी दे सकता है, 600 लीटर का। अभी ये वाला पंप मेनली आपका सोलर पंप बोला जाता है इसको। इसको आप इजीली आपके सोलर सेल में कनेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल आप लिथियम आयन बैटरी या फिर लेड एसिड बैटरी के इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा साइज का 12 वोल्ट का दो ऐसा आपका क्लिप या ब्रैकेट टाइप का दिया हुआ रहता है, जिसकी मदद से आप इजीली इस पंप को कहीं पर भी अटैच कर सकते हो, ऐसे करके, ठीक ऐसा करके एंड ऐसा करके ये दोनों होल पे स्क्रू वगैरह लगा के आप किसी भी जगह पे इसको फिट भी कर सकते हो। तो इस पंप का हम लोग पूरा टेस्ट करेंगे, इसका वाटर फ्लो का। एंड हम लोग ये वाला बैटरी यूज़ करेंगे, 12 वोल्ट का लेड एसिड वाला बैटरी जो आता है। एंड ये 8 वाट का पावर कंज्यूम करता है कि नहीं, वो भी हम लोग चेक करेंगे इस मीटर की वजह से। ये मीटर अटैच करने पे हम लोगों का वोल्टेज एंड करंट पूरा देखने को मिल जाएगा। जब भी ये पंप का मैं मतलब वाटर का अंदर टेस्ट करूंगा इस पंप को, तो कितना एम्पीयर ले रहा है इसका भी हम लोग का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वाला जो पंप है दोस्तों, है तो बहुत ही बढ़िया, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि कितना ज़्यादा वाटर फ्लो हो रहा था। मगर इसका जो वाटेज दिया हुआ है इधर पे 8 वाट, वो दोस्तों ठीक नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 2.5 एम्प्स के लगभग ये पावर ले रहा था। तो टोटल आपका हुआ अराउंड 30 वाट के करीब इसका पावर हुआ। तो वाटेज इसमें एग्जैक्ट वाटेज तो लिखा हुआ नहीं है, मगर दोस्तों ये पंप बहुत ही बढ़िया, जैसे कि मैंने दिखाया कि वाटर फ्लो बहुत ही बढ़िया आ रहा था। तो अभी इसके लिए जो अडेप्टर बेस्ट होगा, तो मेरे ख्याल से इसके लिए अभी बेस्ट होगा 12 वोल्ट 3 एम्पीयर का अडेप्टर। एंड ज़्यादातर 12 वोल्ट 3 एम्पीयर अडेप्टर मिलता नहीं है, तो 12 वोल्ट 5 एम्पीयर अडेप्टर ही बेटर होगा। एंड दोस्तों ये मोटर के लिए अगर बैटरी यूज़ करेंगे, तो ऐसा लेड एसिड वाला बैटरी आप यूज़ कर सकते हो, या कार बैटरी, बाइक बैटरी भी इजीली यूज़ कर सकते हो। एंड अगर सोलर सेल यूज़ करेंगे, तो 20 वाट के ऊपर तो सोलर सेल आपका 50 वाट ही मिलता है, तो 20 वाट भी ट्राई कर सकते हो, नहीं तो 50 वाट। अगर एम्पियरेज कम होगा, तो इसका फ्लो जो वाटर फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। एंड अगर मैक्सिमम आइट में एम्पियरेज देंगे, लाइक 2.5 से ज़्यादा एम्पियर इस पर देंगे, तो इसका जो 10 लीटर है वो एकदम एग्जैक्ट मिलेगा, नहीं कि इसका जस्ट फ्लो कम होगा और कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगा। तो एज ए पंप जो दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया। एंड अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। बहुत जल्दी मिलेगा एक नया और एक्साइटिंग वीडियो के साथ।